मित्रों जय माता दे। मित्रों आज 27 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों गुरुवार को स्त्री योग और रेवती नक्षत्र हैं, इसके साथ ही गणेश चतुर्दशी पड़ रही हैं। ऐसे में आपको कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो ताकि आपको रोजाना राशिफल समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थितियां, आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा और पारिवारिक कामों को पूरा करने में आप काफी सफल रहेंगे और किसी जरूरी काम को करने में आपके दोस्त आपका सहयोग कर सकते हैं। आज आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जा सकोगे। कपड़े के व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज्यादा मुनाफे मिलने के योग हैं। वाहन खरीदने का मन बना सकोगे। परिवार के साथ मिलकर किए गए कामों में आपको फायदे मिलेंगे। आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि कारोबार में आपको लाभ होंगे, शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा तथा इस राशि के राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि परिवार में धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेंगे, आपको किसी से उपहार मिल सकता है, घरेलू कामकाज को निपटाने में आप काफी सफल रहेंगे। आज के दिन सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव ला सकोगे। सेहत के मामलों में आप अपने आप को खुद को फिट महसूस करेंगे और जरूरी कामकाज आज समय से पूरे होंगे। आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत रहेंगे तथा जीवन में आपको सहयोग मिल सकेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आर्थिक उतार चढ़ाव के स्थितियां भी देखने को मिलेंगे, काम ज्यादा और लाभ कम होने के उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में इस तरह की समस्याओं से आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विचार करने की जरूरत रहेंगे। आप किसी और की देखरेख ना करें, आप अपने माइंड को अस्थिर करें और इस प्रकार के परिणामों को देखने के बाद आप ज्यादा व्याकुल या फिर निराश ना हो। आप अपने कार्य को निरंतर करने का प्रयास करें जिनसे कि आपको ये सारी के सारी परिस्थितियां आसानी से सुलझ जाएं। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेंगे। कारोबारियों को आज व्यावसायिक साझेदारी में अपनों से सलाह लेकर काम करेंगे तो फायदे जरूर मिलेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन काफी अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति बने रहेंगे। आज कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे, दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आ सकेगा, आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ सकते हैं। आज आप अपने मन की बातों को किसी दोस्त के साथ साझा कर सकोगे। सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत रहेंगे क्योंकि आज के दिन काम ज्यादा और बहुत ज्यादा काम होने की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज के दिन भविष्य को लेकर आपको कोई आशंका रहेंगे, आप भविष्य की योजनाओं को बनाने में थोड़े से दिमाग लगा सकोगे और भविष्य में किस प्रकार से आपको कार्य करने हैं इस विषय में डिस्कस कर सकोगे। जीवन साथी को उपहार दे सकते हैं, इससे आप लोगों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकोगे और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकोगे, इससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेंगे, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगे। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में आज का दिन कई खुशियां संचार कर रही हैं।
आज आप अपना जरूरी काम निपटाने में सफल रहोगे। मित्रों, आज के दिन किसी खास कामों के लिए आपको अपने अनुभवों के कारण बेहतर परिणाम देंगे। इसके साथ साथ आज के दिन आपको व्यापार में काफी लाभ मिल सकेंगे तथा व्यापार के सिलसिले से आपको यात्राएं करने होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। आज के दिन आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। आपको किस्मत का सहयोग मिल सकेगा और आय के नए स्रोत सामने आ सकेंगे। ऑफिस का कामकाज रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा, जिससे आज पूरे दिन आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। घर का माहौल काफी खुशनुमा बना रहेगा। कई योजनाएं समय से पूरी होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेंगे। आज आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लवमेट घर पर अपने शादी की बात करेंगे तो बात बन सकती है। आज के दिन धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में काफी खुशियां मिल सकती हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी कारगर साबित होंगे। आप अपने व्यवसाय या रोजगार के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए जिस भी प्रकार की रणनीति को तैयार किए हैं या फिर रणनीति तैयार करने वाले हैं या फिर आपने अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, तो इस समय आप इस क्षेत्र में प्रयास करें। आज शाम को आपके घर पर पार्टी का प्लान बनेगा और पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है। कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। संतान के साथ विवाद होने की संभावना है और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और किसी भी मामले को बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करना आपके लिए बेहतर रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेंगे और किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप उत्साहित हो सकोगे। इस राशि के छात्र अगर किसी नए कोर्स में दाखिला या एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन काफी शुभ रहेगा। आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से बॉस आपके परफॉर्मेंस से प्रसन्न होंगे। आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी देंगे। जीवन साथी से चल रही अनबन आज बात करने से समाप्त होंगे। आप जीवन साथी से जरूर बातचीत करें और पूरे दिन अपने काम को लेकर एग्रेसिव या फिर आप अट्रैक्टिव जरूर रहें। आप अपने कार्य को सही समय पर करने का प्रयास करें। मित्रों, आज किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। आप अपने कॉन्फिडेंट के दम पर लगभग हर एक कार्य को सफल कर सकोगे। कला या किसी रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा और कोई करीबी आपके खुशियों को दोगुना कर सकता है। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे आपकी योजनाओं से काफी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज आपके मन में नए नए विचार आ सकेंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज के दिन आपको तरक्की के कई नए रास्ते और कई प्रकार के अलग अलग सुविधाएं नजर आ रही हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप बचपन के दोस्त के बर्थडे पार्टी में शरीक हो सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से कोई ऐसी बात मिल सकती है, कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। अगर आप नवविवाहित हैं तो आज के दिन संतान पक्ष से आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेंगे। आज अचानक किसी मित्र से मुलाकात होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा तथा मिथुन राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेंगे। आज के दिन व्यवसाय में, आपके व्यापार में या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पढ़ाई लिखाई या फिर किसी भी प्रकार की व्यवसाय में आ रही अड़चने दूर हो सकेंगे। मित्रों, आज आपको अचानक धन लाभ होंगे। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार कर सकेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेंगे। आप अपने ऊर्जा से आज बहुत कुछ हासिल करेंगे। लवमेट के साथ कोई उपहार देना आपको बेहतरीन मिलेगा।
मित्रों जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए विशेष रूप से आज का दिन खास रहेगा। आज के दिन आप अपनी बातचीत को एक अलग अंदाज में पेश कर सकोगे और एक दूसरे को जानने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। आप अपने बीच गलतफहमी ना पैदा होने दें और ना ही किसी प्रकार का शक पैदा होने दें, नहीं तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती हैं। आज आप अपने स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकोगे। ऑफिस में आप अपने काम की प्रशंसा के लिए मेहनत कर सकोगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को धन लाभ का मौका मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकोगे। संतान की तरफ से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। जिम्मेदारियों के बोझ से आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन शाम तक मूड आपका बेहतरीन रहेगा। आपके साथ सब कुछ अच्छे होंगे और तरह तरह की योजनाओं को बनाने का मौका भी मिलेगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। मित्रों जय।